मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर के सब्जेक्ट कोड 206 वेव प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट के सेकंड यूनिट ईएम वेव प्रोपेगेशन के थर्ड टॉपिक स्काई वेव प्रोपेगेशन, और इस थर्ड टॉपिक में फोर्थ सब टॉपिक MUF एंड स्किप डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। MUF और स्किप डिस्टेंस, मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी और स्किप डिस्टेंस की चर्चा हम करेंगे स्काई वेव प्रोपेगेशन के संदर्भ में। सबसे पहले हम देखते हैं कि MUF जो है वो क्या होता है। MUF जो है मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी होता है। मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी जो है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से कुछ मायने में अलग होती है। मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले पृथ्वी पर दो बिंदु निश्चित करते हैं, दो लोकेशंस, जो दो स्थान निश्चित करते हैं, और उन दो गिवन लोकेशंस के बीच में हम लोग स्काई वेव प्रोपेगेशन है वो परफॉर्म करते हैं। अब इसके लिए हम जो कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है उसको निश्चित करते हैं, फिक्स करते हैं, अर्थात हम MUF का जो मान ज्ञात करते हैं वह एक निश्चित आपतन कोण के लिए होता है। यानी आपतन कोण का मान अगर बदलेंगे तो MUF का मान भी बदल जाएगा। सो एट अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ एट अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इट इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेट कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू गिवन लोकेशंस। तो पृथ्वी पर कोई दो निश्चित स्थानों के मध्य हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे और उसके लिए अधिकतम आवृत्ति का मान जो MUF होगा। नाउ फॉर फ्रिक्वेंसी अबाउ देन MUF आर रिफ्लेक्टेड वेरी स्लोली दैट दे आर लॉस्ट इन द आयनोस्फीयर। अब जो आवृत्तियाँ, जो जिन आवृत्तियों का मान MUF से अधिक होता है, तो उस पर्टिकुलर आपतन कोण पे उन आवृत्तियों से अधिक आवृत्ति वाले जो सिग्नल हैं वह आयनोस्फीयर में या आयन मंडल में रिफ्लेक्ट होते जाते हैं और खो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। अर्थात MUF हमारे पास में वो अधिकतम आवृत्ति जिस पर हम लोग कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब MUF का जो मान हम ज्ञात करेंगे वह हमने जो पहले डिस्कस किया था क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, जो क्रांतिक आवृत्ति है, उसके संदर्भ में हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि MUF और FC जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, उसके मध्य हम लोग संबंध स्थापित करेंगे, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। उसके लिए हम लोग स्नेल्स का नियम प्रयोग करते हैं, जैसा कि लिखा गया है म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। हमें पता है कि म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक है, और साइन आई में आई का जो है वो आपतन कोण है, यानी आई आपतन कोण वह कोण है, इंसिडेंस एंगल है, जिस कोण पर हम जो सिग्नल है उसको हम लोग आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में भेजते हैं। और साइन आर में जो आर है वह एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पर्टिकुलर किसी लेयर पे जो जब सिग्नल रिफ्रैक्ट होता है तो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। और इसका मान जैसे हमने पूर्व में देखा था 1-81N अपॉन एफ स्क्वायर MUF है, और उसका स्क्वायर रूट है। यहाँ पर हम लोग ये मान रहे हैं कि अब हम जो आवृत्ति काम में ले रहे हैं, जो हमें मान निकालना है, वो MUF है, एफ MUF है। अब पूर्व में हमने जो FC है उसका मान निकाला था हमने, उसका हम प्रयोग में लेंगे। अब अगर मान लो हमें MUF का मान ज्ञात करना है तो उसमें आवृत्ति F की जगह हम MUF लिख रहे हैं, और यहाँ पर जो R का मान है वह 90 डिग्री रख रहे हैं। R का मान 90 डिग्री लिखने का मतलब ये हो गया कि इस बिंदु पर हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर जो N है वो जैसे हमने बताया था कि N जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, और वो भी हम लोग मैक्सिमम कंसिडर कर रहे हैं, तो N हो जाएगा N मैक्सिमम और R हो जाएगा 90 डिग्री। अब इनका मान जब ऊपर सूत्र में रखते हैं हम, तो हमें मिलता है साइन आई डिवाइड बाई साइन 90 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1-81N मैक्स अपॉन एफ स्क्वायर MUF। तो साइन 90 का जो मान है, साइन 90 डिग्री का जो मान है वो एक होता है, तो साइन 90 डिग्री को हम एक लिख देंगे। और इसके साथ ही हमें ये भी पता है कि FC जो है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, FC जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ या 81 स्क्वायर रूट ऑफ 81N मैक्स होता है, या FC इक्वल्स टू 81N का वर्गमूल होता है। तो FC स्क्वायर हो जाएगा 81N मैक्स, तो 81N मैक्स को हम रिप्लेस करेंगे FC स्क्वायर से। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग MUF और FC के मध्य संबंध स्थापित कर सकें, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकें। अब हमारे पास में जो सूत्र आया वो है साइन स्क्वायर आई इक्वल्स टू 1-FC स्क्वायर अपॉन MUF स्क्वायर। इसमें हम लोग थोड़ा सा टर्म्स को ट्रांसफर करेंगे समीकरण में,
इस समीकरण में जब हम टर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ एम यू स्क्वायर इक्वस टू वन माइनस साइन स्क्वायर आई। इसमें हम लोग त्रिकोणमिति का सूत्र प्रयोग करेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसको वन माइनस साइन स्क्वायर आई को लिखेंगे कॉस स्क्वायर आई। तो एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ एम यू स्क्वायर जो है वो हो गया कॉस स्क्वायर आई। अब चूंकि हमें मान एम एफ एम यू एफ का ज्ञात करना है तो हम लोग फिर जो है ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, एम एफ यू एम यू एफ को उधर राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और कॉस स्क्वायर आई को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमें प्राप्त होगा एफ सी स्क्वायर सेक अपॉन कॉस स्क्वायर आई इक्वल्स टू एम एम यू एफ स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग वन अपॉन कॉस को हम रिप्लेस करेंगे सेक आई से, क्योंकि सूत्र जो होता है वन अपॉन कॉस इक्वल्स टू सेक आई होता है, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर आई को हम लोग लिखेंगे एफ सेक स्क्वायर आई। तो हमारे पास में आ गया एफ सी स्क्वायर सेक स्क्वायर आई इक्वल्स टू एफ स्क्वायर एम यू एफ। अब एफ सी सेक आई का जो मान है वह हम दोनों साइड में अगर वर्गमूल लेंगे तो एफ सी सेक आई जो मान आएगा वो आएगा एफ एम यू एफ, और इस प्रकार से हमें एम एम यू एफ का मान ज्ञात होता है एफ सी सेक आई। यह भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र है, इसके द्वारा हम लोग एम एम यू एफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें एफ सी यानी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी और सेक आई यानी कि यहाँ पर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान पता होना चाहिए। इस सूत्र को हम एक अलग दूसरे एक लॉ से भी जानते हैं जो है वो सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ से भी हम इसको जानते हैं, और इसमें हमें एक चीज़ और पता चलती है कि एम एम यू एफ का जो मान है वो एफ सी से सेक आई फैक्टर से बड़ा होता है, यानी जो एम यू एफ है उसका मान एफ सी से हमेशा अधिक होगा, और इससे अधिक होगा क्योंकि सेक आई से गुणा हो रहा है ये एफ सी, और सेक आई का जो मान है वो किसी भी एंगल आई के लिए सदैव एक से बड़ा होता है, इससे हमें जो है एम यू एफ का मान एफ सी से हमेशा अधिक मिलेगा। तो इस प्रकार ये एम यू एफ जो है मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी है, वो अधिकतम फ्रिक्वेंसी जहाँ पर हम लोग कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो टॉप इसका सब टॉपिक का पार्ट है वो है स्किप डिस्टेंस, उसको डिस्कस करेंगे। स्किप डिस्टेंस जो है वह हमें ये बताता है कि हम कितनी दूरी तक हम लोग आयनोस्फीयर में या आयन मंडल में कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में अगर हमें इसको आयन मंडल के साथ स्काई वे कम्युनिकेशन उसको ग्राउंड वे कम्युनिकेशन के साथ मिक्स भी कर दें तो हमें दूसरे भी और भी क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्किप डिस्टेंस को। सो इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द पॉइंट वेयर द स्काई वे फर्स्ट रिटर्न्स टू द अर्थ। इसको हम चित्र के द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो सबसे नीचे वाला चित्र है उसमें हमने एक ट्रांसमीटर बनाया है और वहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आयन मंडल की तरफ भेजी हमने, स्काई वेव प्रोपेगेशन के लिए स्काई में भेजी, और वह जो वेव है वह आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द्वारा पुनः पृथ्वी पर लौटती है और फर्स्ट स्काई वेव हमें प्राप्त होती है। ये फर्स्ट स्काई वेव का अर्थ क्या है कि अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, या हम अगर हम ट्रांसमीटर से अगर हम स्काई में अगर वेव्स भेजते हैं तो वह सारी वेव्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद में जहाँ पर हमें ये फर्स्ट स्काई वेव मिली है वो सारी वेव्स इसके आगे ही प्राप्त होगी। इसके लिए हम लोग रेफर कर सकते हैं जो फर्स्ट फिगर है। फर्स्ट फिगर में देखिए हमने देखो अलग अलग हमने यहाँ पे भेजी है, एक दो तीन चार पाँच, हमने पाँच वेव्स भेजी हैं। अब ये जो पाँच वेव्स हैं हम देख सकते हैं कि जो थर्ड वेव है वो हमें एक ट्रांसमीटर से मिनिमम डिस्टेंस पर मिली है, उसके बाद वाली जितनी भी वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो उससे आगे प्राप्त होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड जो वेव है वो हमारी फर्स्ट स्काई रिटर्न होने वाली वेव है, तो वो जो डिस्टेंस है ट्रांसमीटर से थर्ड वेव की वो स्किप डिस्टेंस कहलाती है। अब स्किप डिस्टेंस का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो स्किप डिस्टेंस का मान एक तो वेव फ्रिक्वेंसी यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग हमने स्काई में भेजी है उसकी आवृत्ति पर इसका मान निर्भर करेगा, और इसका मान जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी निर्भर करेगा, आपतन कोण पर भी मान इस पर निर्भर करेगा। यानी स्किप डिस्टेंस का मान आपतन कोण के मान पर या एंगल ऑफ इंसिडेंस के मान के चेंज होने के साथ स्किप डिस्टेंस भी परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, हमें पता है कि जो आयन मंडल जो रे को रिफ्लेक्ट करता है वह आयन मंडल के अंदर जो भी डेंसिटी आयंस की उस पर निर्भर करता है, तो जैसे डेंसिटी जो है या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बदलेगी तो स्किप डिस्टेंस भी वो बदल सकती है। अब इसके अंदर जो हमारे पास में और भी आउटर लिमिट्स हैं वो हैं
आउटर लिमिट्स कंसिडरेबली ऑन विद द फ्रिक्वेंसी, डे टाइम, सीजन, सनस्पॉट, डायरेक्शंस, इन सब बातों पर भी निर्भर करता है। स्किप डिस्टेंस के बाद हम जानते हैं कि स्किप जोन क्या होता है। स्किप जोन के लिए हम लोग थर्ड डायग्राम को रेफर करते हैं। थर्ड डायग्राम में देखिए, हमने ट्रांसमीटर से जो वेव भेजी थी वो हमारी फर्स्ट स्काई वेव जो रिटर्न होकर आई है वो ट्रांसमीटर से उसकी डिस्टेंस है, वो स्किप डिस्टेंस कहलाती है। अब अगर हम देखें उसी ट्रांसमीटर से अगर हम ग्राउंड वेव, अगर हम सिग्नल की आवृत्ति चेंज करें और अगर हम ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन प्रोपेगेशन परफॉर्म करते हैं, तो हम जानते हैं कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन जो है वो ट्रांसमीटर से कुछ दूरी पर जाके सिग्नल जो है वो फेड आउट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन जो है हम एक निश्चित दूरी तक कर पाते हैं, और ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन जहाँ तक कर पाते हैं वो बिंदु और जो फर्स्ट स्काई वेव हमें प्राप्त हुई है वो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है वह स्किप जोन कहलाती है। अर्थात स्किप जोन वह जोन है जहाँ पर हमें सिग्नल न तो ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन और ना ही स्काई वेव प्रोपेगेशन द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। स्किप जोन वह जोन है, इसको हम साइलेंट जोन भी कह सकते हैं, जहाँ पर हम कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन है उसके जो है, कई बार ऐसा भी होता है कि स्किप जोन जो है और स्किप डिस्टेंस का मान इतना कम होता है कि वो ग्राउंड वेव के प्रोपेगेशन के अंदर आ जाता है और ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन का जो मान है वो फर्स्ट स्काई वेव को क्रॉस कर जाता है। उस स्थिति में जो स्किप जोन है वो हमारा जो है, दोनों अगर कम्युनिकेशन क्षेत्र अगर आपस में ओवरलैप करते हैं तो हमारा स्किप जोन है वो जीरो हो जाएगा और हमें सारे बिंदुओं पर कम्युनिकेशन प्राप्त हो सकता है। तो पुनः हम स्किप जोन को परिभाषित करते हैं, इट इज़ द जोन ऑफ साइलेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द ग्राउंड वेव इज टू वीक फॉर द रिसेप्शन एंड द पॉइंट वेयर द फर्स्ट स्काई वेव इज रिटर्न टू द अर्थ। नाउ एट वेरी लो एंड मीडियम फ्रिक्वेंसी देर इज नो स्किप जोन। नो स्किप जोन का मतलब ये हो गया कि वो दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। एंड एट हाई फ्रिक्वेंसी स्किप जोन इज प्रेजेंट।